पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कुशीनगर जिले की बड़ी गंडक नदी अपने पूरे उफान पर है। वाल्मीकि गंडक बैराज के सभी 36 फाटक उठा दिए गए हैं। 4,45,000 क्यूसेक पानी को गंडक में डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिवपुर गांव की पुलिस चौकी तक पानी पहुंच गया है और घरों में तख्ता और मचान बनाकर लोग शरण लेने के लिए मजबूर है। मरचहवा से बसंतपुर मार्ग पर पानी भर जाने से लोगों को नाव चलानी पड़ रही है। नगर के खड्डा विधानसभा के इस वक्त शिवपुर गांव में हम मौजूद हैं। इस गांव में जो है नारायणी नदी के बाढ़ का पानी पहुंच गया है और चारों तरफ जो है खेती हो या फिर जो घर है वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। अब पिछले 2 दिनों से लोग यहां पर खाना नहीं बना पा रहे हैं, कैसे भी जो है एक टाइम भोजन करके इस बाढ़ में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पत्रकार यानी कि हम लोग तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब तक इन गाँव का जायजा लेने ना तो कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही कोई नेता जो है यहाँ पर पहुंचा है। डीएम कुशीनगर की बात करें तो महदेवा गांव में वो गए थे जो पनियाओं पुल के जस्ट आगे है, लेकिन शायद डीएम साहब को यहाँ भी पहुंचना चाहिए और इस गांव की दुर्दशा देखनी चाहिए। किस तरह से लोग 2 दिनों से भूखे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल पाए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सूद लेने वाला इन ग्रामीणों की नहीं है। तमाम लोग मौजूद है, पूछ लेते हैं कैसे चल रहा है। बाढ़ का पानी पूरा घिर चुके हैं, आप लोग कैसे चल रहा है? बहुत बहुत खाना वाना कैसे बना रहे हैं? कैसे खाना कहा जब घर पानी पड़ गया, कहा खाना बन खाना नहीं बन पा रहा है? पूरा घर कहा खाना बन? कोई अधिकारी आया? कोई जायजा लेने कोई आया? कोई रिपोर्ट रिपोर्ट बनाने अधिकारी आया? कोई नहीं। और लोगों से बात कर रहे हैं, कोई अधिकारी अब तक जो है यहाँ पर नहीं पहुँचा, ये बड़ा सवाल है। 2 दिनों से लगातार बाढ़ का पानी जो है इस शिवपुर गांव में जो है पहुँचा हुआ है कुशीनगर के। कोई नेता अधिकारी पहुँच रहे हैं क्या? कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। कैसे चल रहा है जीवन यापन? पूरा गांव डूब चुका है इस वक्त। अरे यहाँ पे बिना खेले खेले वैसे हम लोग रोड भी जगह नहीं है, कहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे? आज तक कोई नहीं, अभी आप लोग आए हैं और कोई नहीं आया। रोड में पानी हो गया था, रोड जाकर कहीं पानी में खड़ा था, कहीं और कहीं खा रहा माला है, कहाँ खड़ी खड़ी होगी, कहाँ नहीं रहेगी। खाना वगैरह कैसे खा रहे हैं? भोजन वगैरह चूल्हा? अरे जब पूरा पानी डूब गया तो कहाँ खाना मिलेगा? 80 रोज हो गया। कोई नेता नहीं पहुंचा क्या? कोई नेता नहीं पहुंचा, अधिकारी कोई नहीं आया। तो प्रशासनिक टीमें जो है वो कोई नहीं पहुंची है और पूरा गाँव जो है इस वक्त जलमग्न है। पानी हालांकि धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन जो लोगों की दुश्वारियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो तमाम बड़े अधिकारी और नेता दौड़े की बात कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो है लगातार मदद पहुंच रही है और तमाम चीजें हो रही हैं, तो नेता और अधिकारी इन गांव में भी पहुंचे और इन लोगों के दुश्वारियों को कम करने की कोशिश करें। अनुराग तिवारी, खबर फास्ट, कुशीनगर।